हेलो दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट हमें तभी करनी चाहिए जिसका फ्यूचर आज की तारीख में ब्राइट नजर आ रहा हो, है कि नहीं है। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम तीन क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स की बात करने वाले हैं जिनका फ्यूचर आज की तारीख में जून 2024 में ब्राइट नजर आता है। भले ही गर्मी की वजह से हमारे चेहरे उतने ब्राइट नजर ना आ रहे हो, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर ब्राइट होना ही होना चाहिए। फिर उसके बाद हम एक क्रिप्टो करेंसी एप्लीकेशन की भी बात करेंगे जहां पर हम स्मूथली क्रिप्टो करेंसीज में रिलायबल तरीके से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं 2-3 सेकंड में सटासट यूपीआई से। ठीक है, तो कंप्लीट वैल्यू पैकेज वीडियो है, आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले 1 मिनट, मैं यहां पर आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि ये कोई क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी वीडियो नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। आपको अपने रिस्क के ऊपर, अपनी रिसर्च के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर और अपनी जिम्मेदारी के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। हमारी लिस्ट की नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी है इथेरियम। अब ये मत कहना कि इथेरियम का नाम सुन सुन के बुड्ढे हो गए, भाई कोई दूसरी क्रिप्टो करेंसी बता। मैं आपको रीजन भी दूंगा क्यों इसका फ्यूचर आज की तारीख में ब्राइट है, क्यों ब्राइट नजर आता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका मार्केट कैप जो कि है 427.6 बिलियन डॉलर का। फिर इसकी 24 आवर की ट्रेडिंग वॉल्यूम पिछले 24 घंटों की ही बाय सेल ट्रेडिंग वो है 17.6 बिलियन डॉलर। फिर इसका ऑल टाइम लो भी देख लीजिए जो कि है 35 रुपए, जो गया था 22 अक्टूबर 2015 में। फिर इसका ऑल टाइम हाई, जो सबसे हाईएस्ट प्राइस गया था, वो गया था 4,08,400 रुपए के आसपास, जो गया था 16 नवंबर 2021 में। फिर इसका आरओआई भी देख लेते हैं कि जैसे ही इथेरियम लॉन्च हुई थी उसी टाइम पीरियड में आसपास में इन्वेस्टमेंट करी गई होती तो 125,400% के आसपास का प्रॉफिट नजर आ रहा होता, 125,000। तो आप ये बात तो मानते हो कि जो फ्यूचर है वो वेब 3, डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, मेटामास्क, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एनएफटीज, इन सब की ओर बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि इथेरियम जो है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर एनएफटीज, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और बहुत सारे डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म लिटरली काम करते हैं। इथेरियम जो अपने आप में है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं ये सब। डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड की दुनिया में इथेरियम लिटरली बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग कैटेगरी होल्ड करता है, मतलब डोमिनेट करता है बेसिकली, जिस वजह से जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स होते हैं उनकी अपने आप में ये पसंदीदा क्रिप्टो करेंसी बन जाती है। अगर उन्हें ऐसा कोई प्रोजेक्ट वगैरह लॉन्च करना हो तो इथेरियम उनकी चॉइस पहली बन जाती है। फिर उसके बाद इथेरियम 2.0 है जिसके अंदर ट्रांजेक्शन की और भी ज्यादा रिलायबिलिटी होती है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कम है और स्मूथ ट्रांजेक्शन होती है, ट्रांजेक्शन हैंडलिंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, सिक्योरिटी वगैरह का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, जिस वजह से इथेरियम का फ्यूचर आज की तारीख में काफी ब्राइट नजर आता है। सेकंड नंबर की हमारी क्रिप्टो करेंसी है सोलाना। सोलाना ट्रांजेक्शन कैपेसिटीज की वजह से सेकंड नंबर पे हमने डाली है। ठीक है, तो अभी इसका हम देख लेते हैं मार्केट कैप जो कि है 67.4 बिलियन डॉलर। फिर इसका 24 आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम, 24 आवर में खरीदा बेच बाय सेल, वो हुई है 2.1 बिलियन डॉलर की। आप देख सकते हैं सोलाना का ऑल टाइम लो जो गया था 42 रुपए 18 पैसे 12 मई 2020 में। फिर इसका जो ऑल टाइम हाई प्राइस गया था वो गया था 21,713 रुपए, जो गया था 7 नवंबर 2021 में। फिर इसका आरओआई सोलाना का जब ही इन्वेस्टमेंट कर दी होती, जब लॉन्च वॉन्च हुई थी, तो 66,000% का जो प्रॉफिट है वो दिखाई दे रहा होता, 66,250% के आसपास प्रॉफिट दिखाई दे रहा हो, क्योंकि ट्रांजैक्शंस के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल बढ़ने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, जिस वजह से ऐसी एक क्रिप्टो करेंसी जरूर चाहिए जिसके अंदर ट्रांजैक्शन कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी हो और ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो। तो ऐसे में सोलाना का नाम सबसे पहले निकल के आता है क्योंकि सोलाना के अंदर बहुत ही लाइटनिंग फास्ट ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बहुत कम आती है, उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस पर सेकंड, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन पर सेकंड करने की इसके अंदर कैपेसिटी भी होती है और ट्रांजैक्शंस में एनर्जी एफिशिएंसी भी होती है क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है वो POS यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेक और POH यानी कि प्रूफ ऑफ हिस्ट्री के ऊपर काम करता है, जिस वजह से इसके अंदर एनर्जी भी एफिशिएंट खर्च होती है, मतलब बाकी की तुलना में कम खर्च होती है, जिसकी वजह से ये काफी अच्छी ट्रांजैक्शन के जो ट्रांजैक्शन कैटेगरी है उसके अंदर काफी अच्छी क्रिप्टो करेंसी बन जाती है और इसका भी फ्यूचर आज की तारीख में ब्राइट नजर आता है। फिर हमने बात करी थी एक रिलायबल क्रिप्टो करेंसी ऐप के बारे में जहां पर आप स्मूथली 2-3 सेकंड में खटाखट यूपीआई से डिपॉजिट्स करके इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। तो ऐसे में मैं बात कर रहा हूं यहां पर मुद्रेक्स के बारे में। आप यहां पर आराम से, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, फोन पे, पेटीएम या फिर किसी भी यूपीआई ऐप से आप डिपॉजिट कर सकते हैं और आराम से अपनी मन पसंदीदा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर ऐसा है
कि आपकी एक से कई गुना ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं जो मन पसंदीदा हैं, तो आप उनका एक सेट भी बना सकते हैं, एक बास्केट बना सकते हैं और उसके अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस कॉइन सेट के फीचर की मदद से। यहाँ पर आप चाहें तो 4, 5, 6, 7 को मिलाकर एक उसका बास्केट बनाकर और उसमें डायरेक्ट ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी एक लिमिटेड टाइम ऑफर भी चल रहा है जिसके अंतर्गत आपको ट्रेडिंग फीस के साथ साथ कमीशन के साथ साथ 10,000 शिबा इनू टोकन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं रेफर करने पे। तो अगर आप मुद्रेक्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाकर आराम से मुद्रेक्स को डाउनलोड करके इस्तेमाल करके देख सकते हैं खुद भी। बाकी थैंक यू सो मच मुद्रेक्स। थर्ड नंबर पे हमारी क्रिप्टो करेंसी आती है बिटकॉइन। क्योंकि हमने फ्यूचर में डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड और जो मेटामास्क है, जो डिजिटल वर्ल्ड है उसकी बात कर ली, फिर ट्रांजेक्शन्स की भी बात कर ली, बारी आती है इन्वेस्टमेंट कैटेगरी की, तो उसके अंदर बिटकॉइन यहाँ पर काफी अच्छी भूमिका निभाता है, मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो आप इसका मार्केट कैप देख सकते हैं जो कि ऑब्वियसली सबसे ज्यादा होने वाला है, सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है। 1.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास इसका मार्केट कैप है, मतलब 1,300 बिलियन डॉलर। ठीक है, फिर इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम आप देख सकते हैं 27.8 बिलियन डॉलर पिछले 24 घंटों की ही खरीदा बेच, क्योंकि बिटकॉइन है ये। फिर आप बिटकॉइन का ऑल टाइम लो देख सकते हैं जो कि 4 रुपये था, लिटरली 4 रुपये था 15 जुलाई 2010 में, आज से 14 साल पहले। फिर आप इसका ऑल टाइम हाई भी देख सकते हैं जो कि है 61,58,000, मतलब 61,58,000 के आसपास, जो गया था 14 मार्च 2014 में, अभी 2-3 महीने पहले। ठीक है, फिर इसका आप ROI यहाँ पर देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट तभी कर दी होती जब ये लॉन्च हुआ था, वहां पर करीबी कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट थी लेकिन फिर उन्होंने पिज्जा खरीद लिया उसे बिटकॉइन से, तो आज उन्हें इतना प्रॉफिट दिखाई दे रहा होता मैं तो इस नंबर को बोल भी नहीं पाऊंगा। आप खुद ही देख लीजिए कितने परसेंट का प्रॉफिट दिख रहा होता 2010 के आसपास अगर इन्वेस्टमेंट करी होती तो। एक तो बिटकॉइन के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है क्योंकि सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है, इस वजह से तो ऑब्वियसली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह बहुत ज्यादा होती हैं। एक और बहुत बड़ा कारण है क्योंकि बिटकॉइन की लिमिटेड सप्लाई है। ठीक है, बिटकॉइन जितने हैं उतने ही हैं, उससे ज्यादा और नहीं हो सकते, जिस वजह से बिटकॉइन अपने आप में एक स्कैरसिटी भी पैदा करता है, क्योंकि उतने ही हैं तो लोग इसे डिजिटल गोल्ड की तरह देखने लग गए हैं। जिस प्रकार डिजिटल गोल्ड भी उतना ही है, लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि जब डिमांड बढ़ती चली जा रही है, सप्लाई इतनी है, लिमिटेड सप्लाई है, बढ़ाई नहीं जा सकती, तो उसकी ऑब्वियसली प्राइस बढ़ने की जो एक कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, जिस वजह से बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट कैटेगरी की सबसे बेस्ट क्रिप्टो करेंसी अपने आप में ही बन जाती है, ऑब्वियसली लिमिटेड सप्लाई की वजह से। और इसी वजह से इसका जो फ्यूचर है काफी ब्राइट नजर आता है। तो ये थी हमारी लिस्ट जिनका फ्यूचर अच्छा नजर आता है, जिसके अंदर हमने फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड के बारे में भी बात कर ली जो कि इथेरियम है, उसके बाद ट्रांजैक्शन कैपेबिलिटीज की भी बात कर ली जहां पर सोलाना आती है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कैटेगरी की भी बात कर ली जहां पर बिटकॉइन आती है। आप भी अपनी लिस्ट जरूर हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करिए। बाकी अगर आप मुद्रेक्स को ट्राई आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और अगर आप टॉप 7 ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करके ये वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, और अगर यहाँ क्लिक ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा नीचे सब्सक्राइब का बटन भी होगा, उसे भी जरूर क्लिक कर लीजिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, सेफ इन्वेस्टमेंट, हैप्पी इन्वेस्टमेंट, मैं मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो के अंदर।